So, how are you all doing? Doing great? Anyone wants to share anything in relation to your the share abhi? Okay, Rishta says good. That's amazing. Anyone wants to share something in relation to the share Diwali break? You just had a good vacation time, huh? Okay, Keshav wants to share. Keshav, go ahead. Ma'am, at Diwali vacation, my routine is going on. Wow, you still followed continuing your routine. That's amazing. And how has it helped you? Ma'am, I want to tell you something. I celebrated Diwali with some happiness, with many happinesses, but I continued my routine. I did not do it. Okay. So when you continued with your routine, how did it help you? आपको कैसे बेनिफिट हुआ उस रूटीन को स्टिक टू करना? मैम, आई वॉन्ट टू टेल यू माई बॉडीज प्रॉब्लम. माई फूड्स आर फ्लैट. ओके एंड माई फादर ऑर्डर अ ट्रीटमेंट मशीन दैट व्हेन आई रन वी आई हैव टू वियर इट. ओके एंड एट 4:30 टू 6 o'clock आई गो टू पार्क एंड रन विथ माई फ्रेंड्स. And it give me benefit to fast run and flat my and make a curve in my foot. All right. Great to hear that, Keshav. Thank you for sharing it. Welcome. Okay, Zainab. Ma'am, on this Diwali, I go on my friend's house, Sharon. Okay. So did you enjoy with Yes, ma'am. her? Okay, what did you do? Ma'am, play with her. Okay. And ma'am, हमने उसके साथ मस्ती भी करी थी बहुत. Okay, you enjoyed with her and you played with her. That's nice. And ma'am, we have lots of fun together. Okay, you had loads of fun. All right. That's nice. Yes, Rushta. Ma'am, हम भी ग्रैंडमा के गए थे दिवाली की छुट्टी में. मैम, दिवाली इज अ वेरी अमेजिंग फेस्टिवल. मैम, वैसे क्रैकर्स तो मना थे लेकिन हमने बच्चे वाले फोड़े थे पटाखे. ओके ओके फाइन. मैम, बहुत अमेजिंग रंगोली बनाई. मैम, न्यू क्लोथ्स पहने, मिठाई खाई, सबको विश करा. राइट, दैट्स अमेजिंग. यस मैम. सो विच मीन्स हम सब ने खूब जमकर ना अपनी सोशल हेल्थ पे वर्क किया है. हाँ, आपके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया है. दैट्स अमेजिंग. सो व्हाट यू स्टडीड यू अप्लाइड आई वुड से. एंड टुडे यू नो टुडे वील मूव ऑन अ लिटिल फर्दर इन आर सोशल हेल्थ. अब हमने सबके साथ तो रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है सीख लिया, पर अपने साथ भी तो हमारा रिलेशन होता है ना, रिलेशन विद सेल्फ, है ना. अब आज हम सोशल हेल्थ में अपने आप से अपना रिलेशन एक्सप्लोर करेंगे. और कैसे करेंगे? बाय कनेक्टिंग विद आवर सेल्फ. और हम अपने आप से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? जब हम अपनी आप को पहचानते हैं, राइट. जब हम अपने आप को समझते हैं. सो टुडे वी विल डू फर्स्ट स्टेप इन इट. एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम अवेयर अबाउट आवर सेल्फ. और हम अवेयर कैसे होंगे अपने बारे में? बाय नोइंग अवर क्वालिटीज. तो आज हम अपने क्वालिटीज सोचेंगे और लिखेंगे कि मुझ में क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो मुझे ऋतिका बनाती हैं. सिमिलरली आरवी में क्या क्वालिटीज हैं जो आरवी को आरवी बनाती है? प्रतिका में क्या क्वालिटीज हैं जो प्रतिका को प्रतिका बनाती है? सूर्यांश में क्या क्वालिटीज हैं जो सूर्यांश को सूर्यांश बनाते हैं, राइट. तो हम सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है और बहुत सारी होती है. सिर्फ वन टू नहीं होती, बहुत सारी क्वालिटीज होती है हम सब में, ठीक है. तो आज हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट होंगे कैसे, अपनी क्वालिटीज देखकर. सो टुडे वी विल बी राइटिंग आवर क्वालिटीज. अब कैसे करेंगे?
I'll just share that screen with you. But before we share that screen, I request you to get your sheets. तो आपके पास rough notebook है या sheets हैं, तो just get that and get your pencils या sketch colors या crayons, whatever you want alongside, colored pens, जो भी है आप ले आइए. I'll count till 10. Just get the things first, okay? And try getting two sheets. अगर आप sheets ला रहे हो, because we have two activities. या फिर आप आगे पीछे अगर use कर सकते हो, so get that sheet. You can use both the sides because there are two activities. Okay, so quickly go and get it. I'll count till 10. One, right, RV, I can see your sheets. Two, okay, Keshav is ready. Zainab is ready. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10. All right. So I'll just share the screen with you कि आपने क्या करना है. Okay, can you all see the screen? Okay, you can. Right. तो आप center में देख रहे हो, there is a girl made, right? So this girl represents me. तो सिमिलरली आप यहाँ पर कुछ भी सेंटर में बना सकते हो जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो. वो कोई शेप भी हो सकती है, वो कोई स्माइली हो सकता है, स्टार हो सकता है, हार्ट हो सकता है. सो एनी शेप, एनीथिंग दैट यू वांट टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ विल कम इन द सेंटर. तो आप गर्ल भी बना सकते हो, या आप गर्ल के अलावा कुछ और बनाना चाहो, या बॉय बनाना चाहो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. ओके, उसके बाद आप उसमें लिखोगे व्हाट मेक्स मी मी. फिर आपको ब्लू कलर से जो एरोज दिख रहे हैं ना, उन एरोज पे आपने अपनी क्वालिटीज लिखनी है. एंड यू कैन बी क्रिएटिव हियर बाय शोइंग द पिक्चर्स. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी क्वालिटीज लिख रही हूँ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड आई एम राइटर एंड अनदर क्वालिटी इज आई एम हार्ड वर्किंग एंड आई नेवर गिव अप, तो उस सेंस में मैं यहाँ पिक्चर्स क्या क्या बना सकती हूँ. अगर मैं राइटर हूँ तो मैं एक नोट पैड विद पेंसिल बना सकती हूँ एज अ पिक्चर, राइट, आफ्टर राइटिंग इट. अलॉन्ग साइड अगर मैंने लिखा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, तो मैं एक सीजर बना सकती हूँ विद द पेपर, कटिंग द शीट ऑफ पेपर कि आई सॉल्व द प्रॉब्लम. सिमिलरली अगर मैं लिख रही हूँ आई एम हार्ड वर्किंग, तो मैं एंट का पिक्चर बना सकती हूँ बिकॉज एंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग. एंड इफ आई वॉन्ट टू से आई नेवर गिव अप, तो मैं एक स्पाइडर का पिक्चर बना सकती हूँ, दैट आई नेवर गिव अप. ओके, सो थिंक क्रिएटिवली एंड जस्ट रिप्रेजेंट योर क्वालिटीज विद द पिक्चर्स, राइट. Are we all clear with the task? Just show me a thumbs up अगर आपको समझ आ गया हमें क्या करना है. Okay, Zainab has understood. Keshav has shown the thumbs up. All right, Rushta, Sharon, Kanishka, Anika, right. Okay, Arjav has given a thumbs up. Vidanshi, Nishika, Amarth, all right. So people have understood, right? And I'll just share another screen with you for a minute, just in case अगर आपको qualities का थोड़ा सा hint चाहिए कि हम क्या क्या qualities लिख सकते हैं. आपको जरूरी नहीं है यही लिखनी है, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, but this is just to give you a little idea. Can you see this screen now? Show me a thumbs up if you can see my second screen, the second PPT that I've shared. No, you can't. Okay, I'll reshare it then. Okay, so this is the second screen. इसमें क्या क्या qualities आप देख सकते हैं? For instance, creative, confident, focused, caring, goal-oriented, happy, honest, sensitive, doesn't give up, eager to learn, open-minded, imaginative, helpful, hopeful, calm, striving, hard-working, caring, dependable, supportive, humble, spiritual, curious, patience, okay, leader, funny, kind, positive, passionate, forgiving, loyal, and fair. So you can choose the list from here, or else you can have your own list, but this was just to give you the idea. Okay, I'll bring the first screen back for you all to start with the work.
Okay. So this is the screen. You can start with your work. I'll give you 10 minutes to do it. So just begin with your work, please. Yes, Zainab. Ma'am, अगर हमें imaginative का लिखना है तो उसकी picture कैसे बनाएंगे? Imagination, आप thinking वाला picture भी दिखा सकते हो. Because you are in your imagination, stop thinking, जैसे कहते हैं ना, circle, circle, and we show the cloud. आप वैसी picture भी बना सकते हो. Okay? Yeah. Okay. Arvi, you want to say something or ask something? Ma'am, मैं ये use कर सकती हूँ. क्या यूज करना है बेटा? What's this? मैम कॉइन. कॉइन कहाँ पे यूज करना है आपने? मैम सर्कल शेप बना सकते हो. क्या बना सकते हो? सर्कल शेप स्माइली बना लिए. योर चॉइस बेटा. आप इससे बड़ा भी बना सकते हो क्योंकि आप इससे बड़े हो. तो सर्कल शेप के लिए आप और भी कुछ यूज कर सकते हो, थोड़ा बिग. यू कैन यूज दिस एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद. क्योंकि कॉइन थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा. ओके ओके ओके. आध्या, यू वांटेड टू शेयर समथिंग. यस मैम, हम कह रहे थे कि हैप्पी को बनाना हो तो हैप्पी के वो पिक्चर. किसका पिक्चर बेटा? मैम हैप्पी. हैप्पी. ओके, आप हैप्पीनेस कैसे दिखाओगे अपनी? मैम हंस के. हाँ, तो हंस के हमारा क्या टीथ दिखते हैं, तो हम टीथ दिखा सकते हैं, सिर्फ माउथ दिखा सकते हैं, या हम पूरा स्माइली फेस दिखा सकते हैं. ओके, सो इफ यू जस्ट वांट टू शो योर लिप्स एंड द टीथ, यू कैन डू दैट आल्सो फॉर योर हैप्पी फेस. ओके, या उससे पहले भी आपको कुछ कहना था. योर हैंड वॉज रेज्ड व्हाइल आई वॉज आस्किंग अबाउट दिवाली. मैम दिवाली की उस पे हमने सुनाना था, वो हमने क्या. ओके, यू कैन शेयर इट. मैम I am play my friend Pari. I am enjoyed him, and I am some crackers because the it's polluted him. Okay, so I am नहीं आएगा यहाँ पे, I have आएगा. ठीक है, I have या I had आएगा precisely क्योंकि ये जा चुका है. So I had burst the crackers and I had played with my friend. ठीक है? Okay. क्योंकि past में चला गया ना, तो had हो गया ये. Right. So you shared your enjoyment. You were so happy, huh, for Diwali. Okay. Yes, Keshav. हमें आपको अपनी 10 क्वालिटीज बतानी है. ओके, गिव मी 2 मिनट्स, आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है? ओके मैम. बिकॉज़ 2 पीपल आर रेजिंग हैंड, लेट इफ दे हैव अ क्वेरी लेट मी जस्ट आंसर देम फर्स्ट. यस कुमकुम. कुमकुम अनम्यूट बेटा. Okay, Priyanshi, you want to ask something? Yes, ma'am. Yes, Priyanshi. Ma'am, इस activity में क्या करना है? हमें थोड़ा समझ में नहीं आया. आपने अपनी qualities लिखनी है बेटा, कि Priyanshi okay, में क्या ma'am. qualities हैं जो uniquely Priyanshi को Priyanshi बनाती है. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Yes, Kumkum. कुमकुम पहले अनम्यूट करो बेटा. मैम हमारा नेटवर्क इशू हो रहा था, तो मैम आपने जो भी अब तक बताया मैम हमारे को उसकी आवाज नहीं आई. आपने आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी मेरा? यस मैम. ओके, उसमें एक गर्ल बनी है. यस मैम. हाँ, उसमें हमने लिखा है व्हाट मेक्स मी मी. तो यहाँ आपने अपनी क्वालिटीज दिखनी है जो कुमकुम को कुमकुम बनाती है. So, कुमकुम आप थोड़ा सा सोचेगी कि कुमकुम में क्या क्या क्वालिटीज है. तो आप सेंटर में गर्ल भी बना सकते हो या कोई और पिक्चर भी बना सकते हो.
फिर उसमें आप ये लाइन लिखोगे व्हाट मेक्स मी मी, उसके बाद आप एरोज निकालकर अपने क्वालिटीज लिखोगे. ओके सो यू विल बी मेकिंग आउट द एरोज एंड यू विल बी राइटिंग डाउन योर क्वालिटीज. क्लियर? यस मैम. ऑलराइट, देन गो अहेड एंड डू इट. एंड यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट पिक्चर्स इफ यू वांट. यस केशव. यस मैम, नाउ आई विल टेल. या माय फर्स्ट क्वालिटी इज फास्ट एंग्री. ओके. माय सेकंड क्वालिटी इज सॉन्ग लवर. ऑलराइट, आई एम अ सॉन्ग लवर एंड आई कैन लीड इफ आई हैड अ चांस, सो आई कैन लीड अ क्रू. ओके. सेंसिटिव. ओके. ओवरथिंक. फास्ट प्लान्स. फेथफुल. आर्टफुल एंड फ्रेंडली. ओके, हम आर्टफुल नहीं बोलते, आर्टिस्ट बोलते हैं. ठीक है? या ओके, सो यू आर आल्सो फ्रेंडली. नाइस. सो वेट. Now you have to tell me, after writing these qualities, how did you feel? Now these qualities makes me me. Yes. So what did you learn from this activity? I learned these quality that I have, anybody no have them. Okay. So others will not have it. The qualities that are there in you makes you you. All right. Any other learning? No. Okay. Okay, Mohammed Shohid. No, this is a girl. The child with the name Mohammed Shohid who has raised her hand. Please unmute. Mohammed Shohib, please unmute. You're raising your hand. What's your name? Ma'am, my name is Ashfa. Just tell me the spelling bit of your name once. Ma'am, my name is Ashfa Parveen. Spelling batao beta, apne name ke. Ma'am, A-S-H-B-A. A-S-H-B-A. Asba. Ashba. A S H I B आता है? नहीं, A B. B. दोबारा बोलो spelling. Sorry, B A B A. दोबारा. A S H B A. A S H B A. तो I तो नहीं आ रहा, फिर आप अशिबा क्यों बोल रहे हो? अशिबा ही तो हुआ फिर. हम अशिबा बोल रहे हैं, हम अशिबा. Okay. It's अशिबा. Okay. Fine. हाँ, बताओ आपको कुछ doubt था? You raising your hand. बताओ. मैम, हमें एक क्वालिटी क्या करना है? हमें क्वालिटी में आपको अपनी क्वालिटीज दिखनी है कि अशबा में क्या क्या क्वालिटीज है. ठीक है? अब थोड़ा सा सोचो और फटाफट से लिखो. अब आपके पास 2 मिनट्स बचे हैं, जल्दी जल्दी करो. मैम, हमारा एक और आउट था. मैम, हमें ये कैसे करना है? ये डॉल बनानी है. आप डॉल की जगह कोई भी पिक्चर बना सकते हो, कोई भी शेप बना सकते हो. ठीक है? उसमें आप ये लाइन लिखोगे व्हाट मेक्स मी मी, फिर एरोज निकाल कर आप अपने क्वालिटीज लिखोगे. ऑलराइट. या ओके. यस रुष्टा. मैम, मैंने डॉल बना ली, क्या आप देख सकते हैं? सही लग रही है. ओके, यू कैन आल्सो राइट योर क्वालिटीज नाउ रुष्टा. यस मैम. ओके मैम. या Okay, yes, Pritika. मैम, हमने क्वालिटीज लिखी है अपनी, हम बता सकते हैं आपको? Yeah, please go ahead and share. मैम, लीडर, लवली, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, सिंसियर, डांस लवर, सेंसिटिव, फ्रेंडली, शाय नेचर. Alright. You don't look much shy, by the way. Huh? मैम, शर्म तो आती है.
Okay, ma'am. Yeah, so, okay, now tell me, Pritika, after doing this activity, how do you think this activity will help you? Ma'am, it makes me. It makes you you, so does it help you? I know myself. Right, you got to know yourself better. Great. और कुछ सीखा? जैसे आपसे पहले केशव ने अपनी क्वालिटी शेयर करी, फिर आपने करी, कुछ और सीखा इससे आपने? क्वालिटी सेम थी? No. नहीं, तो फिर और क्या सीख सकते हैं हम इससे कि आपकी क्वालिटीज अलग हैं, मेरी अलग हैं, केशव की अलग हैं, तो इट मींस सबकी अलग हैं, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? सबके पास अलग अलग क्वालिटीज होती हैं. राइट, इसलिए हम सब अलग होते हैं. यस मैम. राइट, थैंक यू. थैंक यू मैम. यू वेलकम डियर. ओके विदांशी. गुड मॉर्निंग मैम. I am Vidanshi Gupta. Yes, present qualities. Hmm. I am creative. I am honest. I strictly dislike to lie and also these peoples. I am handwriting. I am hardworking. I am time punctual. I am disciplined. I am very honest about my study. Because I want to be an IAS officer. I like cleanliness. I like greenery everywhere. So I have plants, many plants in my garden. I totally believe in worship and God. Thank you. ओके वेदांशी, ओवर हियर अ फ्यू कनेक्शंस. जब हम अपनी क्वालिटीज लिखते हैं ना बेटा, तो हम आई लाइक या आई लव नहीं लिखते, तब हम एडजेक्टिव्स लिखते हैं, यानी कि सिर्फ वर्ड्स लिखते हैं. तो जैसे आपने बोला आई लाइक ग्रीनरी, तो आप उसकी जगह लिखोगे प्लांट लवर. ओके मैम. सिमिलरली आपने एक सेंटेंस और किया था, इट इज स्लिपिंग फ्रॉम माई माइंड, विल यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग? थर्ड या फोर्थ सेंटेंस था एज फार एज आई रिमेम्बर, जस्ट रीड दैट वंस. I am very honest about my study. Honest अलग लिखो, और because you are honest in other fields also. आप सिर्फ पढ़ाई के लिए honest नहीं हो ना, आप वैसे भी honest हो. So honest is one quality of yours. Apart from that, when you say studies, तो studies में आप ये लिख सकते हो I am studious. ठीक है, तो studious हो जाता है word. और आपने एक जगह लिखा था टाइम पंचुअल नहीं होता, सिर्फ पंचुअल होता है. ठीक है, सो पंचुअल का मीनिंग ही यही होता है दैट यू मैनेज योर टाइम वेल. ओके थैंक यू मैम. यू आर वेलकम. सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी वेदांशी? आपने क्या सीखा ये एक्टिविटी करने के बाद? मैम, मैंने अपनी क्वालिटीज वगैरह जस्ट कम अप अगेन. लास्ट टाइम अभी आपने क्या बोला? मैम, मैंने अपनी क्वालिटीज हाईलाइट की. ओके, हाईलाइट की. सो कैन आई से कि आपने अपना सेल्फ कनेक्शन बनाया बाय नोइंग व्हाट क्वालिटीज आर देयर इन यू? यस मैम. ऑलराइट, ग्रेट. ओके नावेद. Ma'am, it's me. Okay, ma'am, you'll have to read it out. Honest, sharp-minded, merciful, social, hard-working, food lover, emotional. Okay. So, food lover, huh? Yes. Right, so you eat healthy food or unhealthy food then? Ma'am, healthy food. Okay, that's nice. And what did you learn from this activity, Nave? Yes. आपने क्या सीखा इस activity से? कि हमें अपना माइंड यूज करना चाहिए.
अच्छा, अपना माइंड यूज करना चाहिए अपने आप को समझने में. यस. ऑलराइट, दैट्स अ ब्यूटीफुल लर्निंग. हेल्दी फूड खाना चाहिए, वो तो आपकी क्वालिटी हो गई ना. हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है. डेफिनेटली हमारे में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, अनडाउटेडली. ग्रेट. यस यश. यस मैम. या यू वांट टू शेयर? यस मैम. या प्लीज गो अहेड. ओके मैम. ऑनेस्ट, केयरिंग, लविंग, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ऑसम, गेम लवर. ओके, सो हाउ दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू यश? ये एक्टिविटी आपको कैसे हेल्प करेगा लाइफ में? इस एक्टिविटी से क्या सीखा? मैम, अच्छा, अपने बारे में लिख के कैसा लगा? मैम अच्छा लगा. अच्छा लगा, तो क्या इस एक्टिविटी से आप अपने आप को पहचान पाए? यस मैम. समझ पाए? सो कैन आई से दैट दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड नो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं? यस मैम. प्रियांशी. यस मैम. या प्लीज शेयर. यस मैम. I have so many qualities which make me different from others. Okay. Friendly, honest, loving, creative, unselfish, helpful, polite, loyal, kind, creative. Okay. So when you said that I have these qualities that makes me different, so how you being different will help you to understand the other person? Yes, ma'am. एक दूसरे की qualities जानने से हमें कैसे help मिल सकती है? कैसे help मिल सकती है दूसरों की qualities जानकर? हाँ, अगर मुझे आपकी qualities पता है और अगर मुझे let's say हर्ष की qualities पता है, तो ये मुझे कैसे help कर सकता है? या प्रियांशी को अगर रुष्टा की क्वालिटीज पता है और लेट्स से निशिका की पता है, निशिका की पता है, तो ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है? क्या आप उन्हें समझ पाओगे? यस मैम. क्या आप उन्हें समझ पाओगे अगर आपको उनकी क्वालिटीज पता है? यस मैम, समझ पाएंगे. उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे ना? तो जब आप उन्हें अंडरस्टैंड कर पाओगे तो उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? मैम स्ट्रॉन्ग. डेफिनेटली. राइट. ओके रुजदा. मैम डन. या प्लीज रीड इट आउट देयर. I am a singer, plants love, lover, honestly, foodie, loving, caring, seriously, hardworking, pet love, pet lover, helpful. Okay, helpful होता है. So you're very caring and helping person. It means some nice. So what did you learn from this activity? Yes, ma'am. आपने क्या सीखा इस एक्टिविटी से? इससे मैम हमने ये सीखा कि हम
एक दूसरे को समझ पाते हैं. डेफिनेटली यस राइट. आद्या मैम ये दोने मैम हम होनेस्ट हैप्पीली इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मैम दोने दोने लिख दो मैं लिख गया दी मैम. ओके नाउ यू कैन रीड इट आउट. आई कैन सी द पिक्चर. मैम मैम होनेस्ट हैप्पीली इंटेलिजेंट लीडर स्मार्ट और आई हैव लॉन्ग हेयर माय स्माइल इज ब्यूटीफुली आई हैव सीरियस ऑन द स्टडी आई एम लाइक टीचर. ओके ऑलराइट नाइस. ज़ैनब फॉर हेल्प full you can show a hand a helping hand. Yes Keshav ma'am humne kuch pictures bhi banayi hai aur humne sath mein ek important baat bhi likhi hai jise hum live talk keh sakte hain. So can you listen me? Yeah I can hear you. Okay you made certain pictures and you'll have to read out beta kyunki maine read nahi kar pa rahi aapne likha kya. Okay. The first image, this is angry person, and my first quality is angry. Second, song lover, so I can use headphones, and I am a leader. So this person is leading, and this is a crew member. I'm a sensitive, a crying man, overthinking man. Okay. Past plans, a planning board. All right. And faithful, friendly. I'm friendly. And जो मैंने live talk लिखी है वो है feelings are not game. Right. They are what you are, definitely yes. Okay. Okay, so I have RV, Zainab, Yash, and Anika to share, and Kumkum. Okay, give me 2 minutes. Let me share another work because people have done this work. So then I'll listen to you. Okay, let me just share the another work with you first. So now we have connected with ourselves by knowing our qualities. Okay, so next we move on further to our last aspect of health, which is emotional health. अब हमें अपनी क्वालिटीज तो पता चल गई. अब हम अपनी इमोशनल हेल्थ स्टडी कर रहे हैं. अब इमोशनल हेल्थ हमारी किससे बनती है? हमारे थॉट्स से. हम क्या सोचते हैं और हमारे फीलिंग्स, हम क्या फील करते हैं या हमारे इमोशंस क्या हैं. ओके सो राइट नाउ व्हाट वी विल डू इज हम अपना इमोशनल व्हील बनाएंगे. आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू टू गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन द टास्क. तो हम अपना इमोशनल व्हील बनाएंगे. हम सब लोग 8 इमोशंस जो 8 कॉमन इमोशंस हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं. हम सब हैप्पी होते हैं, हम सब सैड होते हैं, हम सबको गुस्सा आता है ना, हम सब परेशान होते हैं. बट लेट्स से मैं हैप्पी हो रही हूँ जब मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है एज पर माई टाइम टेबल. आई एम हैप्पी देन. और लेट्स से अनिका हैप्पी तब होती है जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है. राइट तो सिचुएशंस अलग है. हम इमोशन सब सेम एक्सपीरियंस करते हैं बट अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं. तो कोई किसी सिचुएशन में हैप्पी है, कोई कभी एंग्री हो रहा है, जैसे स्केयर्ड है. मैं अगर लेट्स से लिजर्ड को देख के डर गई. ओके एंड यश जो है वो स्नेक को देख के डरता है. सो सिचुएशन इज डिफरेंट बट वी बोथ आर एक्सपीरियंसिंग द सेम इमोशन. ओके सो वी विल जस्ट लुक एट अवर इमोशन व्हील. हम अपना इमोशन व्हील बनाएंगे जिसमें आप ऐसे सर्कल बनाओगे और कुमकुम जस्ट वेट फॉर अ वाइल बेटा. सो आप अपना अंडरस्टैंड दिस टास्क. आफ्टर दैट 4-5 पीपल हैव टू शेयर, दे विल शेयर. ठीक है. ऑलराइट सो इन दिस टास्क व्हाट यू विल डू इज आप एक व्हील बनाओगे और उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करोगे और अपने 8 इमोशंस लिखोगे.
So for every emotion, you will write a situation. So for example, if you ask me happy, so let's say मैं कब happy होती हूँ, जैसे मैंने आपसे share किया कि when I am able to complete my day's target, जो मैंने task achieve करने थे, जब मैं accomplish कर लेती हूँ, that makes me happy. Now what surprises me? Well, I get surprised when somebody gives me something unknowingly, like when I get a gift. Okay, so that surprises me. Similarly, proud. When do I feel proud on myself? When there was a problem and I'm able to handle it. जब मैं उस problem को handle कर लेती हूँ, situation को difficult situation को handle कर लेती हूँ, that makes me proud of me. Then worried. Worried is घबरा जाना. मैं कब घबरा जाती हूँ? Okay, so I get worried when something all of a sudden comes and I already have a plan to achieve. तो कुछ ऑल ऑफ अ सडन आता है तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ कि कैसे होगा, कैसे फिट करूं, बिकॉज माय टाइम टेबल इज ऑलरेडी स्केड्यूल्ड. ओके, सो दिस इज वरिड. सो इसी तरीके से आप अपने बारे में सोचो कि आप कब हैप्पी फील करते हो, आप कब एंग्री होते हो, आप कब वरिड होते हो, घबरा जाते हो. प्राउड, व्हेन आर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ. व्हेन आर यू सैड. व्हेन आर यू एक्साइटेड. आप कब सरप्राइज्ड, हैरान होते हो. व्हेन आर यू स्केयर्ड. आप कब डर जाते हो. Right? So just write with yourself and then we'll have a sharing. Have you all understood the task? Aur aap isme pictures bhi bana sakte ho. For example, if you are happy while playing football with your friends, to aapne playing football with friends likha, to aap yahan picture bhi bana sakte ho. Two stick figures and a ball. Playing ball. Okay? Is it clear to all of us? Just show me a thumbs up agar aapko emotion bhi samajh aa gaya hai. Have you all understood it? Okay, Adhya, you want to ask something? Ma'am, हमें टास्क समझ नहीं आया. आपने बेटे यहाँ हर इमोशन के लिए अपनी सिचुएशन लिखनी है कि आध्या कब हैप्पी होती है. तो हैप्पी के अंदर जो स्पेस है व्हील में, वहां पर आप सिचुएशन लिखोगे. ठीक है, ऐसे ही आप कब एंग्री होते हो तो आप वो सिचुएशन लिखोगे. ओके ओके या ओके. वेदांशी मैम, इमोशंस अवर फीलिंग्स आल्सो. या दीज आर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो यू कैन राइट द सिचुएशन कि कब आप ये सब फील करते हो, किस सिचुएशन में आप डर जाते हो, किस सिचुएशन में आप सैड होती हो. ओके ओके मैम. यस प्रीतिका मैम, हम लिखने के बजाय ड्राइंग बना सकते हैं. यू कैन इफ यू वांट टू बेटे. ओके मैम. केशव. यस मैम. Yeah, you want to ask something? No, ma'am. I want to tell something. Yeah, please share. Ma'am, I want to tell about my routine and my some hidden qualities. Okay, we'll come to that little later because there are others who are waiting still. Okay, let me give them chance first. Yeah. You, in the meanwhile, you do this work. Okay, there were a few who had to share. Yes, you want to ask something? Ma'am, humne ek portfolio banaya hai aur humne isme kuch clients bhi likhe hain, hum aapko sunana chahte hain. Okay, share. I am unique. I am one of kind. Yes, you are one of your kind and you are unique. Very true. Nice, yes. Okay, Anika? Yes, ma'am. Yeah. You'll have to share with it. Happy, helpful, playing, intelligent, healthy, caring, friendly. Okay. Studying. All right, so studious, hard working. All right,
और कलरिंग नहीं होता, पता है आर्टिस्ट होता है. कलरिंग इज नॉट अ क्वालिटी, दैट्स एन एक्शन वर्क. ओके आर वी मैम, हमें यही लिखने हैं जो आपने लिखे हैं या दूसरे लिखने हैं अपनी मर्जी? बेटे इमोशंस तो यही रहेंगे, सिचुएशंस आप अपने लिखोगे कि आप कब हैप्पी होते हो, आपको आपको कब गुस्सा आता है. ओके ओके या जैनम वो तो बता देती इमोशन वगैरह वाले वो पहले वाले. मैम ओके वेरी कलरफुल जैनम, you'll have to read it out once for me. Yes ma'am. Happy girl, painting lover, imaginative, fruit lover, hard working, helpful, never give up, teacher, leader and friendly. All right, great, nicely done Zena. Now begin with your emotion wheel. Okay, Vedanshi, I've seen this. You have to do your emotion wheel now. Ye aapne mujhse share kar liya na. Now make your emotion wheel. Okay, people, please click the picture of this with you, screenshot. Ya agar aap laptop pe hai, to aap image click kar lijiye emotion wheel ka, so that you can complete. Because I'll have to come out and give you the homework. So. Just take the picture. After 1 minute, I'll stop the screen share. Please click the picture of the emotion wheel so that you can complete it. Yes, Priyanshi. Ma'am, ये भी लिख रहा है कि हम कब एंग्री होते हैं, कब हैप्पी होते हैं. डेफिनेटली मैम, इसके अंदर लिख सकते हैं? आपको उसके अंदर ही लिखना है बेटा व्हील के. मैम थैंक यू मैम. या ओके आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर हियर. राइट, आई विल जस्ट शेयर द होमवर्क विद यू ऑल. फर्स्टली जस्ट कंप्लीट योर व्हील. ओके एंड रेस्ट आई विल जस्ट टेल यू. लेट मी टाइप फर्स्ट. Priyanshi, just mute yourself. Okay. Right. So, first homework is to complete your emotion wheel. And second work is to do page 285 and 86 of your book. So page 2 talks about you, your likes and your dislikes. So wo aap apne aap ke liye thoda aur self-aware ho rahe hain. So it's about self-awareness, knowing about yourself. Page 85 and 86 is about your feelings. So jo humne abhi feelings wala activity kiya hai. So that's a little more about yourself, knowing your feelings. Okay? So just do that as in homework to connect with yourself better. Arvi, you want to say something? Ma'am. Yes, honest, ma'am. Plant lover, caring, smart, accepting, creative, loving, helpful, mindful,
giving, honest. All right. Kumkum also wanted to share. Kumkum, unmute. मैम अभी हम तैयार कर रहे हैं मैम अभी पूरा नहीं हुआ फर्स्ट वाला एक्टिविटी बेटा आपने शेयर करना था और वो व्हाट मेक्स मी मी या शेयर दैट ओके मैम सो दिस इज माय क्वालिटीज यू विल हैव टू रीड इट आउट केयरफुल जॉली हॉनेस्ट इंटेलिजेंट पंक्चुअल स्वीट एनिमल लवर Devote. Okay, devoted. Environment lover. Environment lover. Brave. All right. Nice. So strong girl, huh? Okay. So the purpose of knowing the qualities was firstly to be self-aware. Secondly, comparison se bachna. Hum sabhi apne aap ko ek dusre se compare karte hai na? पर तब हम ये नहीं सोचते कि हम तो एक दूसरे से अलग हैं तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं अगर मैं आपको एक एप्पल दूं और एक ऑरेंज दूं दोनों फ्रूट्स हैं पर क्या मैं कंपेयर कर सकती हूँ नहीं कर सकती दोनों का टेस्ट अलग है एप्पल मैं पील के साथ खाती हूँ ऑरेंज को मैं पील के साथ नहीं खाती ऑरेंज विटामिन सी का सोर्स है वो मेरी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है और एप्पल्स जो है वो हाई फाइबर का सोर्स है वो मेरे को डाइजेशन में हेल्प करता है तो दोनों का फंक्शन भी अलग है देखो मेरे लिए तो मैं दोनों को किस बेसिस पे कंपेयर कर सकती हूँ किसी बेसिस पे भी नहीं ऐसे ही वी ऑल ह्यूमंस वी ऑल आर डिफरेंट पर जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना मेरा फ्रेंड कितना अच्छा ड्रॉ करता है मेरा फ्रेंड कितना अच्छा डांस करता है हम अपने क्वालिटीज भूल जाते हैं कि मे बी वो क्रिएटिव ड्रॉइंग में है और आप क्रिएटिव जो हो वो राइटिंग में हो या फिर आप क्रिएटिव आर्ट में डेकोरेशन में हो राइट तो हम सब में क्वालिटीज होती हैं कुछ क्वालिटीज थोड़ी ज्यादा होती हैं कुछ क्वालिटीज थोड़ी कम होती हैं बट क्वालिटीज हम सब में होती हैं सो नोइंग योरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट ताकि हम अपने आप को कंपेयर कर कर ये नहीं सोचे कि हम किसी से कम हैं हम अपने आप को अप्रिशिएट करें दैट यस आई एम ऑल्सो हैविंग सर्टेन क्वालिटीज राइट बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ हम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव हमेशा कर सकते हैं बट उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को अपनाना होता है कि हम जैसे हैं हम अच्छे हैं ऑलराइट सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन सी यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट बाय बाय गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स बाय बाय मैम थैंक यू